इट इज एन ऑन गोइंग स्टोरी. ये जो कहानी है वो जहाँ 8 साल पहले हमने छोड़ी थी, 8 साल के बाद ही हमने वी पिक्ड अप द थ्रेड्स. तो सारे जो कैरेक्टर्स हैं दे मूव्ड ऑन इन देयर लाइफ. और हर जो बैंड होता है या जो म्यूजिशियंस होते हैं उनकी जिंदगी में ऐसा वक्त आता है जब वो एक साथ रोज नहीं खेलते हैं या दे आर नॉट परफॉर्मिंग और क्रिएटिंग न्यू म्यूजिक, दैट दे नीड सम इंस्पिरेशन टू कम इन टू देयर लाइव्स टू रीडिस्कवर दैट पैशन फॉर म्यूजिक एंड दैट लव फॉर व्हाट दे हैड. एंड दैट कम्स in the form of these two very very talented musicians in the film, played by Shraddha and played by Shashank. I think you only truly know what it feels like when you are doing it, jab aap khud perform kar rahe ho. So definitely abhi ye jo singing ka aspect hai explore kar rahi hu and bahut maza aa raha hai usko explore karte hue. And bahut grateful hu that through Rock On 2 Ritesh and Farhan have given me and Shujaat हमारे डायरेक्टर जो है दे उन्हें लगा कि मैं परफेक्ट फिट थी एज जिया शर्मा. तो आई फील लाइक दिस इज एन अपॉर्चुनिटी. बहुत रेयरली एक्टर्स को ऐसा मौका मिलता है वह आप एक म्यूजिकल में खुद अपने गाने गाए. तो आई फील रियली रियली फॉर्चुनेट. इस बार आई थिंक हम सबके लिए चेंज ये था कि ये जो कैरेक्टर्स हैं हर एक अपनी लाइफ में बहुत इवॉल्व हो चुके हैं. और अगर हम पर्सनली देखें तो वी हैव रियली कम अ लॉन्ग वे इन लाइफ इज वेल इवन पर्सनली. सो आई थिंक ऑल ऑफ दैट काइंड ऑफ रियली ट्रांसलेटेड वेल इन टू द रोल्स. एंड माई कैरेक्टर आई थिंक यू रिमेंबर हर एज अ साउथ बॉम्बे गर्ल हु वाज आई थिंक इन यू नो काइंड ऑफ अ कॉन्फ्लिक्ट विद हर हस्बैंड, क्योंकि वो ये ढूंढना चाह रही थी कि उसकी अनहैप्पीनेस का रीज़न क्या है. And then I think you know all of magic happened again and they reunited. Is bar I think har ek kirdar ek internal battle fight kar raha hai. So Sakshi has definitely come out stronger. I love the new look they've given me. And yeah, you're gonna when you watch the film you'll see a much more stronger character.